डेहरी विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी सत्यनारायण यादव ने कहा कि इलियास हुसैन अपने कर्मों की बदौलत जेल में हैं। वे कोई नेक काम नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं राजद में था तो जहां से लालू यादव चुनाव नहीं जीत पाए थे वहां से चुनाव जीत के मैंने दिखाया। वही नहीं, जहां राजद हारती थी उन सीटों से मैंने चुनाव जीत कर दिखाया है। जनता का मुझ पर विश्वास है क्योंकि मैं व्यवसायी रहते हुए भी डेहरी में पार्क सहित अन्य कई विकास के कार्य किए हैं। डेहरी विधानसभा की जनता मुझे पहले भी आशीर्वाद दिए हैं और आज भी आशीर्वाद देकर मुझे एक तरफा जीत दिलाएगी जो ऐतिहासिक होगा। हम समझते हैं कि आपका कहना सही है कि अन्य नेताओं से अलग है, क्योंकि ये हमारा शुरुआत से ही, भले हम बिजनेसमैन थे और समाज में कुछ नेक काम भला का काम करते थे, उसी का प्रतिफल था कि 1995 से लेकर 2005 तक राजद से पहले हम विधायक हुए, लेकिन ओवरऑल लालू जी नहीं जीते, लेकिन अब हारते थे तो 24,000 18,000 से, लेकिन दल लालू जी यकीन किए हमको दिए, सारे दल के लोगों ने मुझे मदद किया और जहाँ राजद हारता था हमने दो दो बार वहाँ विजय पताका लगाया और ओबरा का विधायक होते हुए डेहरी के लोगों का या पर्सनल काम हो या सामाजिक काम हो हम करते रहते हैं। मुझे यकीन है, यकीन नहीं पूर्ण विश्वास है, जिस तरह से हमारे दल के नेताओं ने मुझ पर विश्वास किया है, आशीर्वाद दिया है और हम समझते हैं डेहरी की जनता आशीर्वाद देने के लिए तैयार बैठी है। डेहरी की सीट जो है डेहरी से निकलते कल तक, अभी वो जेल में, उनके लड़के को सीट मिला, इसके बारे में क्या कहिए? हम समझते हैं इलियास हुसैन अपने कर्मों के बदौलत ऐसा नेक काम नहीं किए और इलियास हुसैन को हमको यकीन नहीं था, इलियास हुसैन की डेहरी की जनता जेल में रह कर के भी जिताई, लेकिन इलियास वर्करों ने जिताया, लेकिन इलियास हुसैन ने अपने वर्करों पर विश्वास नहीं कर करके अपने पुत्र पर विश्वास किया है, जो धोखा खाएंगे मुझे पूर्ण यकीन है। जो वर्कर पर विश्वास नहीं करता, जो परिवार पर ही विश्वास नहीं करता, कभी सफलता नहीं पाता। हमने